मंत्री की दौड़ में देखा जा रहा है हीरालाल नागर जी को इस बार। देखिए, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ, मैं तो चुनाव जीतने के बाद जैसा हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है, कोटा और मेरी विधानसभा छोड़कर कहीं नहीं गया। उन्होंने जो हमसे अपेक्षा करी है बड़े मार्जिन से जिताने की, उसको भी पूरा करेंगे। और कांग्रेस शासन ने झूठ बोल करके सत्ता में आए, किसानों को झूठ बोला, युवाओं को झूठ बोला, निश्चित रूप से वो कांग्रेस राज अब समाप्त हो चुका है। बीजेपी के विधायक हीरालाल नागर जी हमारे साथ हैं। हीरालाल जी सांगोद विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, हम बातचीत करेंगे। 3 संकल्प भी इन्होंने लिए थे, नल से हर घर जल, और जो खेत है किसानों के वहाँ तक सड़क रास्ता बनवाने का प्रयास, और जो भी किसानों के लिए जो खेती किसानी के लिए जो पानी की जो सुविधा होती है उसको ले संकल्प लिया था इन्होंने। साफा और माला पूरे चुनाव नहीं पहने हैं, हम बातचीत करेंगे। सर, आज अधिकारियों की भी आप बैठक ले रहे हैं लगातार, पहले भी बैठक ली है आपने? देखिए, मैंने चुनाव में अभियान में शुरू करने से पहले मेरे किसान भाइयों के लिए हर खेत पर सिंचाई योजना से पानी पहुंचे, हर घर नल से जल पहुंचे और हर खेत तक रास्ते का सुदृढ़ीकरण हो, ये 3 संकल्प लिए थे। और ये प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक ये 3 संकल्प पूरे नहीं होंगे वहाँ तक न माला पहनूंगा न साफा बांधूंगा। मैंने अधिकारियों की बैठक करी है, बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी खेतों तक सिंचाई योजना का पानी पहुंचाने का प्लान तैयार किया जाए, हर घर नल पहुंचाने के लिए योजना तैयार करके उसका भी प्रोजेक्ट बना करके और शीघ्र ही वो क्रियान्वित किया जाए, और हर खेत तक रास्ता का सुदृढ़ीकरण के लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए भी कार्य योजना बना करके और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिशीघ्र खेतों तक के रास्तों का सुदृढ़ीकरण हो जाए। निश्चित रूप से इस कार्यकाल में इन 3 कामों को हम करके और किसान के हित में हर किसान के खेत तक रास्ता पहुंचाएंगे, हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे ताकि शुद्ध पानी पी सके, फ्लोराइड युक्त पानी से उनको निजात मिल सके, और हर खेत तक हम वहाँ सिंचाई का पानी भी पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से ये काम इस कार्यकाल में करना ही करना है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और अब सरकार बन गई है हमारी, तो निश्चित है इस कार्यकाल में इन कामों को करके और हम किसानों के हित में अधिक से अधिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा मार्जिन रहा सर आपका जीत का इस बार, और जो सांगोद विधानसभा सीट है ये 2008 में जब बनी तब से ही एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सीट ने अपना वजूद वहीं रखा, पर जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया इस बार आपको, बड़ी संख्या से जीता है। देखिए, बहुत अपेक्षाएं हैं जनता की, और जितना बड़ा मार्जिन से मुझे जिताया है मैंने भी यही संकल्प किया है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। उन्होंने जो हमसे अपेक्षा करी है बड़े मार्जिन से जिताने की, उसको भी पूरा करेंगे। और कांग्रेस शासन ने झूठ बोल करके सत्ता में आए, किसानों को झूठ बोला, युवाओं को झूठ बोला, निश्चित रूप से वो कांग्रेस राज अब समाप्त हो चुका है, आने वाला समय बीजेपी का है। और हम निश्चित रूप से इस बार सरकार हमारी ऐसा शासन देगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा प्रदेश, जो हमारी महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार इस पूरे कार्यकाल में हुआ है, दुष्कर्म हुए और राजस्थान को बदनाम किया है, उससे भी हम इसको मुक्ति दिलाएंगे कि राजस्थान एक स्वच्छ प्रशासन देंगे और महिलाओं का सम्मान हो यहाँ पर। हमारा ये राजस्थान एक आन बान और शान का प्रदेश रहा है, इसलिए हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए अत्याचार जो बढ़े उन पर लगाम लगाएंगे और उनको निश्चित रूप से सुशासन देने का प्रयास करेंगे। एक मैंने चुनाव से पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि आपके लिए एक नारा लगता है सांगोद में, हर नेता के लिए लगता है कि हमारा नेता कैसा हो, पर इससे ज़्यादा आपके लिए ये नारा लगता है कि हमारा भाई कैसा हो, तो क्या ये बहनों का आशीर्वाद मिला आप? देखिए, हमारे जो महिला बहनें हैं उसमें हमने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था रक्षाबंधन के अवसर पर, और सबके साथ जुड़े हैं, सभी महिलाओं ने आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से उनसे लगातार संपर्क में भी रहेंगे। उन महिला बहनों की जो भी समस्याएं हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में रहते हुए उनका समाधान करेंगे और उनमें एक विश्वास पैदा करेंगे, और ये आपसी
भाईचारा और विश्वास, भाई बहन का रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और इस विश्वास के आधार पर हम उनके मन में एक ऐसा विश्वास पैदा करेंगे कि और अधिक वो हम पर विश्वास करके उनको हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा शासन और सुविधाएं और उनको स्वशासन देने का प्रयास कर सकें। मंत्री की दौड़ में देखा जा रहा है हीरालाल नागर जी को इस बार? देखिए, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ, मैं तो चुनाव जीतने के बाद जैसा हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्देश है, कोटा और मेरी विधानसभा छोड़कर कहीं नहीं गया, इसलिए कोई दौड़ में भी नहीं हूँ। और हमारे यहाँ कोई दौड़ कितनी भी लगाए उससे कुछ नहीं होता है, ये अपने प्रदेश नेतृत्व और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो तय करता है, वो सब निश्चित रूप से अपनी प्रतिभाओं के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर तय करता है, और ऐसा मुझे कहीं दौड़ में मैं तो अपने आप को नहीं मानता। तो हीरालाल नागर जी हैं जो सांगोद विधानसभा से बड़े मार्जन से जीत कर आए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो विधायक हैं जो प्रमोद जैन भाया को लेकर आरोप लगाते रहते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस के विधायक का नारा कि भाया रे भाया खूब खाया, तो जो भरत सिंह कुंदनपुर है वो इनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, इनसे पहले वो वहाँ पर थे पिछली बार, हालांकि हार गए थे, पर इस बार बड़े मार्जन से जीते हैं। इनके सामने भानु प्रताप थे कांग्रेस से, पर हार गए। कह रहे हैं कि जो तीनों संकल्प लिए थे, तीनों संकल्प पूरे होने के बाद ही साफा और माला पहनेंगे, पूरे चुनाव साफा और माला नहीं पहनी। संकल्प तीन थे इनके कि एक तो हर घर नल से जल पहुंचाना है, किसानों के लिए जो नहरों में पानी की जो सुविधा है वो करवानी है, और हर खेत तक रास्ता बनाने का इनका संकल्प है। ऐसे में जो सांगोद विधानसभा है वो कृषि क्षेत्र से ज़्यादा मानी जाती है, किसानी खेती ज़्यादा होती है इस विधानसभा में, तो मूलभूत जो व्यवस्था है ये यही है कि किसानों तक ये तीन संकल्प इनके पूरे होंगे तो किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा राजस्थान तक के लिए। कोटा से चेतन गुजर।